आज भारत बंद को लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है और हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अतुल कुमार अंजान जी हैं। सर, भारत बंद की कई दिनों से तैयारी चल रही थी लेकिन यूपी में उसका बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर पांडिचेरी से लेकर तमिलनाडु तक, केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक और झारखंड से लेकर के मणिपुर तक, बंगाल से लेकर के बिहार, सब बंद है। पंजाब, हरियाणा बंद है, सब जगह बंद है, यहाँ भी बंद है। बंद में दुकानें 4 बजे तक बंद रहेंगी, उसके बाद खुलेंगी। देश के अंदर तमाम सड़कों के ऊपर जाम लगा हुआ है, सारे देखिए, सब बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिस्थितियाँ दूसरी हैं। हम चाहते थे कि कुछ बड़ी पार्टियां हम लोगों को समर्थन करती, लेकिन उनका समर्थन बहुत देर से आया। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में अब तक बंद पूर्णतः सफल है और ये चलता रहेगा। आंदोलन कहीं तेज होता है, कहीं कमजोर होता है, संघर्षों में कोई पीछे हटता नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान भी, महिलाएँ भी और सरकारी कर्मचारी से लेकर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता तक सब लगे हुए हैं। तो ये आंदोलन है, कभी कहीं तेज होता है, कहीं कमजोर होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद है और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बंद है। सपा और बसपा ने भी कल ऐलान किया था कि भारत बंद का समर्थन करेंगे, लेकिन इस बीच उनके जो प्रोग्राम है, जो उनके विंग्स हैं, वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैंने तो उनसे बहुत पहले कहा था कि वो आवे, लेकिन उसके बावजूद वो आए हैं। अच्छा है, समर्थन है, किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन देर से फैसला करते हैं। तो राजनीतिक नापतोल करते हैं, जन आंदोलनों में राजनीतिक नापतोल नहीं हुआ करता। कल योगी आदित्यनाथ ने 25 रुपए गन्ना की बढ़ोतरी की थी, क्या इसे आंदोलन की एक छोटी सफलता मानी जाए? सरकार को विफल कर को हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि गन्ना का किसानों के दाम को बढ़ाएं, लेकिन ये दाम नाकाफी है। पिछले 4 साल से कोई दाम नहीं बढ़ा। अरे, हरियाणा के अंदर 358 रुपये है, पंजाब में 360 रुपये है, महाराष्ट्र के अंदर चीनी मिल किसानों का गन्ना खेत से काट करके और अपनी गाड़ियों में लेकर चीनी मिल तक पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम चीनी मिल लगातार सरकारों के साथ मिल बैठकर साठ काट करते रहे हैं और गन्ना किसानों को लूटते रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा गन्ना और चीनी पैदा करता है और देश के अंदर जो प्राइवेट मिल हैं, चीनी मिल, यहाँ की सरकारों के साथ साठगांठ करके किसानों का हिस्सा खाती हैं, किसानों की रोटी खाती हैं, किसानों का निवाला निगल जाती हैं। 20,000 करोड़ रुपया बकाया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्देश है कि 15% उसके ऊपर किसानों को ब्याज दिया जाए अगर समय पर पैसा न दे तो। लेकिन ये सब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ किसानों के नाम पर जंगल राज है, लूट रहे हैं किसानों को और यहाँ के किसान अब जगे हैं, खड़े हुए हैं, आंदोलन हो रहा है। सर, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप लोगों ने विरोध करने का निर्णय लिया है, राजनीतिक तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन होता जा रहा है। राजनीतिक नहीं हो रहा है, ये क्या किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक अर्थशास्त्र है ये। राजनीतिक, बिना अर्थशास्त्र के राजनीति नहीं होती, इसलिए इस राजनीतिक अर्थशास्त्र के खिलाफ लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लाख नौजवान बेकार हैं। हर साल उत्तर प्रदेश से 11 करोड़ लोग बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीए पास होकर के निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं 22 लाख, इनका नौकरी कौन देगा? इसका विरोध करना अगर राजनीति है तो कहो हम भी राजनीति करते हैं। तो ये थे अतुल कुमार अंजान जी, जिनका साफ कहना है कि भारत बंद को लेकर के जो तैयारी की गई थी उसका कई राज्यों में असर है और ये असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है और भाजपा के नेताओं का विरोध वो लोग करेंगे और आगे भी जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है उस पर वो काम करेंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इनसाइडर, लखनऊ।